Hi everyone, this is Priyanka and you are watching YouTube Real Life. और आपने हेडिंग पढ़ी लिया होगा तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. वेल इट वॉज लिटिल बिट स्केरी बट स्टिल आई वुड लव टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू ऑल. सो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको मेंस्ट्रुअल कप दिखा देती हूँ कि किस टाइप का है और कैसा आता है, कितने साइज में आता है, वो सब बता देती हूँ मैं. तो ये है ये है मेंस्ट्रुअल कप एंड और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको. इस तरह से कुछ इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये कुछ इसका एक पाउच आता है इसके अंदर. इसमें ये पाउच इसलिए देते हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल कप हम अपने पीरियड्स के टाइम यूज करेंगे, लेकिन जब पीरियड्स खत्म हो जाएंगे इसे हमें गर्म पानी में स्टरलाइज करके वॉश करके अच्छे से इसी पाउच में रख देना है ताकि ये हाइजीनिक रहे. वेल ये पाउच भी कितना प्यारा सा है, आप देख सकते हो, सच ए ब्यूटिफुल पाउच. एंड इस तरह से ये बंद हो जाएगा. एंड दिस इज द कप. ये एवोटीन का मेंस्ट्रुअल कप है और ये बहुत ही सॉफ्ट और ये 100% सेफ है यूज करने में और ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है. ये एब्सोल्युटली सेफ है, आप इसे बिना किसी डर के यूज कर सकते हैं. एवोटीन का मेंस्ट्रुअल कप जो है वो सॉफ्ट है, 100% सेफ है एंड इजी टू यूज. वेल ये था एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप. इसके बारे में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है बट चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे. एज यू नो कि एवरी मंथ हमारे पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में हम या तो पैड्स इस्तेमाल करते हैं, टैम्पॉन्स इस्तेमाल करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करते हैं और तीनों चीजें अपनी जगह अच्छी हैं. बट मेंस्ट्रुअल कप में क्या है, इसमें आपका टाइम सेविंग होता है, इसमें आपकी मनी सेविंग होती है, प्लस आप इसको पहन के कुछ भी कर सकते हो. वेदर यू आर डूइंग डांसिंग, स्विमिंग, योगा, आप इसको पहन के कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन. तो इसमें ये थोड़े से ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं एज कम्पेयर टू टैम्पन एंड पैड्स. और इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप एक मेंस्ट्रुअल कप को पूरे 10 इयर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं. और सेकंड चीज, आप जब भी इसको इंसर्ट करें उससे पहले आपका जो वजाइनल एरिया है उसे आप अच्छे से वॉश कर लें किसी भी इंटीमेट वॉश से, चाहे वो एवरटीन का हो चाहे किसी और ब्रांड का हो. इससे क्या होगा कि आपका इससे पीएच लेवल मेंटेन रहेगा. और सो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है. फर्स्टली जब इसे इस्तेमाल कर रहे हो, आप रीयूज कर रहे हो, इसको अच्छे से स्टरलाइज कर ले गर्म पानी में डाल के तभी इस्तेमाल करें. दूसरा, आपके नेल्स छोटे होने चाहिए या अच्छे से वॉश होने छोटे होने चाहिए अगर कर सकते हो ये चीज नेल्स आप. दूसरा, आपके नेल्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए जिससे आपके कुछ भी प्रॉब्लम आए, अनहाइजीनिक हो. याद रखें कि हैंड को अच्छे से वॉश करके ही आप इसको टच करें. एंड थर्ड चीज, आपको क्या रिमेम्बर रखना है कि आपका जो वजाइनल एरिया है उसे अच्छे से उसको आप किसी भी इंटीमेट वॉश से अच्छे से क्लीन कर ले. इससे क्या होगा, आपका पीएच लेवल कंट्रोल में रहेगा. उसके बाद ही इसे आपको इंसर्ट करना है. अब कैसे इंसर्ट करना है, आपको इसे इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले अपने आप को काम एंड क्वाइट करना है. बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है. आपको एक स्क्वेटिंग पोजीशन पे बैठ जाना है. उसके बाद ही इसे आप अगर इंसर्ट करेंगे तो बहुत ही इजीली ये इंसर्ट हो जाए. सो जब आप स्क्वेटिंग पोजिशन पे बैठेंगे तो आपका रिलैक्स होना, काम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो पेल्विक मसल होगी वो बिल्कुल रिलैक्स होगी, टाइट नहीं होगी. इससे क्या होगा कि ये आसानी से इंसर्ट हो जाए. सो प्लीज डोंट गेट पैनिक और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं. हो सकता है कि एक बार, दो बार या तीन बार प्रॉब्लम हो इसे इंसर्ट करने में, बट
ये आराम से इंसर्ट हो जाता है। बस एक मन का वहम होता है कि ये इतनी बड़ी चीज कि कैसे इंसर्ट होगी। वेल, ये इतनी बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट चीज है जो कि ऐसे फोल्ड करके आपको इसको इंसर्ट करना है और ये इसको इंसर्ट करना है और ये बहुत ही आराम से इंसर्ट हो जाएगी। और आप इसे तब तक ऊपर की तरफ पुश करेंगे जब तक ये अच्छे से फिट नहीं हो जाती है, और आप इसकी मदद से इसको पुश कर सकते हैं। और ये जब अंदर फिट हो जाएगी तो इसको इस तरह से आप नीचे से पुश कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह से आपका अंदर की तरफ इंसर्ट होगा। फिर कुछ देर बाद आपको एक अंदर कुछ सेकेंड्स बाद या कुछ देर बाद आपको अंदर से एक आवाज आएगी पॉप की इस तरह से, और खुद ही अपने आप महसूस होगा आपके बॉडी के अंदर से आएगी, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये ऑलरेडी इस तरह से खुल चुका है और ये अच्छे से अंदर इंसर्ट हो गया है। और अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप इधर से इसको ऐसे अच्छे से इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से, और ये जो नीचे का पार्ट होगा वो इस तरह से नीचे रहेगा, बाकी ये अंदर ही इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो जब मान लीजिए आपको ये फील होता है कि 4-5 घंटे निकल गए हैं और आपको ऐसा लगे कि बहुत देर हो गई है, लाइक आपको लगे कि बहुत हैवीनेस लग रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब ये आपका फ्लो क्योंकि जब ये मेंस्ट्रुअल कप फुल हो जाएगा तो आपको एक अंदर से हैवीनेस सी लगेगी, या नहीं भी लगती है तो अगर आपको चेक करना है तो आप इधर ही से आराम से इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, जब आपको इसे रिमूव करना है चेक करने के लिए या नॉर्मली रिमूव करना है, तो आपको फिर से वही चीज दोहरानी है। सबसे पहले अपने हैंड को वॉश करिए, दूसरा आप फ्लोर पे स्क्वैटिंग पोजीशन पे बैठेंगे तब इसके अगर इसको रिमूव करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आपको धीरे से इसको ऐसे करके निकालना है और ये आराम से और बहुत ही स्लोली, और डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अंदर की मसल्स होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वो आराम से ही निकल आएगा। तो ये आराम से निकल आएगा और आपको इसके अंदर जो भी आपका फ्लो होगा आप इसे फ्लश कर दीजिए और उसके बाद इसे फिर से स्टरलाइज करिए और इसे आप फिर से दोबारा रीयूज कर सकते हैं। वैसे इसकी कैपेबिलिटी है दिन में आप 12 घंटे के लिए आप इसे बराबर यूज कर सकते हैं विदाउट चेकिंग। इफ यू वांट यू कैन रिमूव इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल और सिचुएशन। और मैंने आपको बताया ये लार्ज जो होता है वो नॉर्मल टू हेवी फ्लो के लिए होता है, और जो स्मॉल साइज होता है वो लाइट टू नॉर्मल फ्लो के लिए होता है। तो ये दो साइज में अवेलेबल है एवरटीन में, एंड मेंस्ट्रुअल तो ये मेंस्ट्रुअल कप दो साइज में अवेलेबल है एवरटीन में, और आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। जितने भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं आप वहां क्लिक करके आसानी से खरीद सकते हैं, तो आप एवरटीन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, कहीं और से भी खरीद सकते हैं जो भी मैंने दिए हैं। और आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जब हम इसको मेंस्ट्रुअल कप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको अगर पी करना है टॉयलेट करना है तो क्या आप कर सकते हैं? यस, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके अंदर ये इंसर्ट हुआ है और आपको पी या टॉयलेट आ रही है आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन जब भी आप टॉयलेट करें तो मेक श्योर करें कि ये जो भी आपका कप है वो अपनी जगह पे है कि नहीं है। एक बार इसको आप ऐसे चेक कर लीजिए कि अपनी जगह पर है कि नहीं है, और नहीं भी है तो आप इसे एक बार निकाल के फिर दोबारा इंसर्ट कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो सकता है दिमाग में आ रहा हो कि इसे इंसर्ट करने के बाद हमें किस किस टाइम पे चेक करना चाहिए। वेल, अगर आपके हैवी डेज चल रहे हैं तो इसे आप 2-3 घंटे बाद चेक कर सकते हैं और इसको फ्लो आउट कर सकते हैं एंड दोबारा इसे रीयूज कर सकते हैं। और जब अगर आपके लाइट फ्लो चल रहा है और आपको लग रहा है कि अभी बस मेरा पीरियड खत्म ही होने वाला है, लाइट फ्लो चल रहा है, तो आप इसे पूरे 12 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। ये पूरे 12 घंटे आपके बॉडी के अंदर रह सकता है। बट
अगर आपका हैवी फ्लो चल रहा है तो ट्राई करिए कि 2-3 घंटे के बाद आप इसको चेक करके और इसे फ्लश आउट कर। जब आप इसे इंसर्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अंदर से फील होंगी और आप खुद ही अपने आप करने लगोगे। फाइनली मैं यही कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको बड़ा अटपटा लगेगा, बहुत डर लगेगा, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो यू फील फ्री, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। और आपको इसका जब यूज टू हो जाएंगे ना तब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जैसे कि हम पैड्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें हर 3 घंटे में या पर डे या पूरे डे आउट में 3 से 4 यूज करते ही हैं, एंड आप पैड्स में आप इतने फ्री नहीं होते हैं, आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो, आप योगा नहीं कर सकते, आपको हमेशा डर लगा रहेगा कहीं कुछ हो ना जाए, कोई लाइक दिस ऑलवेज। सो वी यूज्ड टू डू दिस। तो इसमें ये सारी चीजें नहीं है, आप इसे इस्तेमाल करेंगी तो कुछ भी नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा कि कहीं आपका पैंटी है कहीं खराब तो नहीं हो गया या कुछ तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ऐसा हो सकता है तो आप पैंटी लाइनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट मैं उस पर भी रिव्यू कर सकती हूँ आपके लिए कि वॉट इज पैंटी लाइनर्स। और एवरटीन का पैंटी लाइनर्स भी आते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है, ये टाइम कंज्यूमिंग, इससे आपके 3-4 फायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि ये आपका मनी सेविंग है, इससे होगा आपका, इससे टाइम सेविंग होगा, एंड यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, योगा, डांस एंड स्विमिंग आप कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन के कहीं आपका कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया या कुछ फ्लो तो नहीं हो गया, एंड यू डोंट वॉन्ट टू सी लाइक बिहाइंड दिस ऑल द टाइम। एंड वी गर्ल्स यूज टू डू दिस वेन वी गो आउट इन अ पीरियड टाइम, सो हमारे दिल में ये डर रहता है कहीं दाग तो नहीं लग गया, कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि यूजली पैड्स में ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्यों, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मान लीजिए मैं कार जा रहे हो, तो उस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन होती है बिकॉज पैड्स मुश्किल से 4 से 5 घंटा चलता है वन पैड, आपको वो चेंज करना ही पड़ता है। और पैड्स में क्या होता है कि 100% अगर वो ओवरफ्लो हो गया है तो ही इज गोइंग टू बी, मतलब वो बैंड बजाने वाला है हमारे कपड़े की। तो सबसे बेस्ट है नो कपड़ा नो पैड्स, सबसे बेस्ट है मेंस्ट्रुअल। लेकिन हाँ, ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो, इसके साथ आप यू फील फ्री, मतलब ये जब आप अप्लाई करें तो आपको वो पता ही नहीं होना चाहिए कि आपने अप्लाई किया है, तो आपके इसके साथ कंफर्टेबल हो। और इसकी जो लाइफ है वो 10 साल की है, आप इमेजिन कर सकते हो कि 10 साल में आप कितने सारे पैड्स इस्तेमाल कर लोगे, बट 10 साल तक आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। जस्ट आपको क्या करना है, स्टरलाइज करना है, क्लीनिंग वॉश भी आता है एवरटीन का, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज डोंट परचेज दैट। आपको सिर्फ एक बर्तन लेना है, उसमें पानी बॉइल करना है और उसको इस तरह से इसे डाल देना है, और उसको अच्छे से स्टरलाइज करके, जैसे हम लोग बॉटल स्टरलाइज करते हैं बेबीज की, आपको उस तरह से स्टरलाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको अच्छे से पोंछ कर और इस बैग में रख लेना है बंद करके 1 महीने के लिए। जब नेक्स्ट टाइम फिर आपका पीरियड आए तो आप फिर इसको इसमें से निकालें और रीयूज करें। याद रखें, ये भी कर सकते हैं, जो भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक चीज बना लें, उस चीज को हर मंथ के लिए वही चीज आप उसी बर्तन को इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा विदाउट एनी टेंशन। और नेक्स्ट चीज मैं आपको क्या बताना चाहूंगी, आपको ये चेक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट्स दी हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। नहीं खरीदना है देन इट्स अप टू यू, बिकॉज इट्स योर चॉइस, बिकॉज आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें विमेन को कंफर्टेबल होना चाहिए, चाहे वो आप कुछ भी इस्तेमाल करें आपको फील कंफर्टेबल होना चाहिए। मेरा काम था इसके बारे में बताना, यस दिस इज राइट, कि जब आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगी तो बहुत पैनिक होंगे, बट स्टिल क्योंकि मैं भी हुई थी, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, बट इट्स वेरी नॉर्मल, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बिलीव मी। सो यूज इट वंस, आप जब इसे इस्तेमाल करने लगेंगे ना तब आप इसके यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार पैड वैड कौन लगाता है, यही ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपके काम आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जितना भी कर सके। एंड अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। और अगर आप पैंटी लाइनर्स, कुछ इंटीमेट हाइजीन पे वीडियो चाहते हैं, वॉश वगैरह, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं जरूर बताऊंगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।